हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रोनाउन क्या होते हैं। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था। थोड़ी सी ब्रीफ हम नाउन की ले लेते हैं। देखिए, जो चीज़ आंखों से दिखाई देगी या जिसे हम महसूस करते हैं वो हमेशा नाउन होती है। तो फिर प्रोनाउन क्या होता है, आज हम वो सीखेंगे। आप जो बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखे हैं, आप उन एग्जाम्पल की तरफ नज़र डालिए। आप देखिए, पहला एग्जाम्पल लिखा राम इज सन ऑफ प्रताप, सेकेंड एग्जाम्पल इज राम रिस्पेक्ट्स प्रताप, थर्ड एग्जाम्पल दिया है प्रताप लव्स राम। यही तीनों एग्जाम्पल मैंने फिर से लिखे हैं बोर्ड पर। राम इज सन ऑफ प्रताप, ही रिस्पेक्ट्स हिज फादर लव्स हिम। पढ़ने में ऊपर वाले तीन अच्छे लग रहे हैं या नीचे वाले तीन अच्छे लग रहे हैं? बिल्कुल सही, नीचे वाले तीन पढ़ने में बढ़िया लग रहे हैं, ऊपर वाले तीन पढ़ने में अच्छे नहीं लग रहे। रीजन क्या है, एक बार दोबारा पढ़कर देखते हैं। राम इज सन ऑफ प्रताप, राम प्रताप का बेटा है। राम रिस्पेक्ट प्रताप, राम प्रताप का आदर करता है। प्रताप लव्स राम, प्रताप राम को प्यार करता है। ये सेंटेंस दोबारा से लिखे हैं। राम इज सन ऑफ प्रताप, राम प्रताप का बेटा है। ही रिस्पेक्ट हिज फादर, वह अपने पिता का आदर करता है। हिज फादर लव्स हिम, उसके पिता उसे प्यार करते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं अच्छे लग रहे, आई टेल यू द रीजन। देखिए, इसके अंदर हमने ओवर यूज किया है, बार बार राम वर्ड का यूज किया है। ये देखिए, तीनों सेंटेंस में बार बार राम वर्ड आ रहा है। भाषा में बार बार नाउन का प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता बिगड़ जाती है। अब देखिए, राम किसी भी इंसान का नेम है, नेम हमेशा एक नाउन होता है। अब बार बार रिपीट कर रहा हूँ, राम राम राम, बार बार नाउन का यूज करने से भाषा सुंदर नहीं लगती। अब देखिए, हमने क्या किया, जो नीचे वाले तीन सेंटेंस लिखे हैं, पहला सेंटेंस हमने सेम लिखा था राम इज सन ऑफ प्रताप, सेम यही लिखा है राम इज सन ऑफ प्रताप। ये दोनों सेम इसलिए लिखे हैं ताकि हमें पता लग जाए राम और प्रताप के अंदर रिलेशन क्या है। अब देखिए, इसके अंदर राम्स फादर इक्वल टू प्रताप, कि राम के पिता वो प्रताप है। रिलेशन शो करने के लिए पहला सेंटेंस सेम होना जरूरी था। दूसरे सेंटेंस में देखिए, मैंने राम को हटाकर इसकी जगह पर क्या लगाया है, ही। जो ही शब्द है वो इस राम की जगह पर आ रहा है। फिर देखिए, उसके बाद इस राम को हटाकर नंबर तीन सेंटेंस में इस राम की जगह पर हमने क्या लगाया, हिम लगाया। पहले सेकंड सेंटेंस में राम की जगह ही, फिर राम की जगह पर हमने हिम लगाया। अगर हम ये चीज लिखते हैं राम्स फादर इक्वल टू प्रताप, या मैं लिखता हूं हिज फादर इक्वल टू प्रताप, अब इस राम्स की जगह पर मैंने क्या किया, हिज लगा दिया। मतलब हिज भी किसके लिए आ रहा है, बिल्कुल राम के लिए आ रहा है। हमने एक शब्द राम हटाकर उसकी जगह पर ही, हिज और हिम, ये तीन शब्द लगाए हैं। ये तीनों के तीनों शब्द नाउन राम के स्थान पर आते हैं। तो दोस्तों, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होगी, जो शब्द नाउन के स्थान पर आते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। भाषा में बार बार नाउन का प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता बिगड़ जाती है। भाषा की सुंदरता बनाए रखने के लिए नाउन के हटाकर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। बिल्कुल इजी डेफिनेशन रहेगी आपके लिए प्रोनाउन की, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में प्रोनाउन होते क्या हैं। द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द नाउन के स्थान पर आएंगे वो प्रोनाउन कहलाएंगे। फिर हम आगे समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वो शब्द जो नाउन के नाम के स्थान पर, जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर आते हैं, उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सो द पर्सन्स आर ऑफ थ्री काइंड्स। आपने सुने होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बिल्कुल, देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, द पर्सन हु स्पीक्स इज इन फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला व्यक्ति हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। अगर मैं बार बार बोलता हूँ अमित बाजार गया, अमित मूवी देखने गया, अमित खेल रहा है, अमित खाना खा रहा है, अमित पढ़ा रहा है, अब बार बार अमित अमित अमित, सुनने वाले को बड़ा अजीब सा लगता है। तो बोलने वाला इंसान अपना नाम कभी नहीं बोलता, अपने आप को मैं बोलता है। मैं बाजार जा रहा था, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं चैटिंग कर रहा हूँ। तो मैं जो शब्द है वो मेरे नाम के स्थान पर आ रहा है। तो बोलने वाला इंसान अपना नाम हटाकर जो शब्द लगाएगा वो हमेशा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहलाएगा। अब देखिए, हमने जब नाउन किए थे, नाउन में हमने सिंगुलर और प्लूरल किए थे, कि जैसे डोर है, डोर का प्लूरल डोर्स हो जाएगा, चेयर का प्लूरल चेयर्स, फैक्ट्री का प्लूरल फैक्ट्रीज,
जब नाउन सिंगुलर और प्लूरल होते हैं तो प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल जरूर होंगे, क्योंकि प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो एग्जैक्टली नाउन के स्थान पर आते हैं। जब मैं अकेला हूँ अपने आप को आई बोलता हूँ, लेकिन जब मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, अब मैं क्या बोलूँगा, हम बाजार जा रहे हैं, अब हम में कौन कौन आ गया, मैं आ गया, मेरे फ्रेंड्स आ गया, मेरे फैमिली मेम्बर्स आ गए। अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स या मेरी फैमिली है, अब हम सबके नाम के स्थान पर हम शब्द का यूज कर रहा हूँ। इंग्लिश में अपने आप को अकेले को आई बोलूँगा, जब मेरे साथ मेरी फैमिली होगी तब मैं वी वर्ड का यूज करूँगा। तो देखिए दोस्तों, हम फर्स्ट पर्सन का चार्ट बनाकर समझते हैं कि प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन जब आप राइटिंग करते हैं या आप स्पीकिंग करते हैं तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों इसमें देखिए आई और वी ये दोनों के दोनों नॉमिनेटिव केस में आते हैं। आप हमेशा याद रखिए, जो चीज़ नॉमिनेटिव केस में आएगी वो सिर्फ और सिर्फ एज ए सब्जेक्ट यूज होगी। आप आई और वी को सब्जेक्ट के अलावा कहीं और यूज नहीं कर सकते। सिंगुलर है तो आप आई लगाइए, आप प्लूरल हैं तो आप हमेशा वी लगाइए। अगर हम आई और वी का सेंटेंस में यूज करेंगे एज ए सब्जेक्ट यूज होगा। आप देखिए एक एग्जांपल, ये बोर्ड पर लिखा है आई वी कम लेट, इट मींस आई कम लेट या वी कम लेट। आप देखिए आई यहाँ पर सब्जेक्ट बना है, आई कम लेट, मैं लेट आता हूँ, कौन लेट आता है, मैं, कौन का जवाब मिलता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रीवियस वीडियो में आप आराम से देख सकते हैं और जज कर सकते हैं सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं वी कम लेट, अब कम वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, वी। आई और वी दोनों नॉमिनेटिव केस में आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट ही बनेंगे। अगर आप अपने आप को ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप कभी भी आप आई नहीं लगा सकते, आप कभी भी वी नहीं लगा सकते। एक सेंटेंस देखिए मैंने लिखा है, टीचर बीट्स आई, टीचर बीट्स वी। अगर मैं इस सेंटेंस में लिखता हूँ टीचर बीट्स आई, अब ये सेंटेंस रोंग है। आई राइट टीचर बीट्स वी, ये सेंटेंस रोंग है। रोंग होने का रीजन क्या है कि मैं आई और वी को बीट वर्ब का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। आई और वी कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि आई और वी नॉमिनेटिव केस में आते हैं तो सिर्फ सब्जेक्ट बनेंगे। अगर आई और वी को ऑब्जेक्ट बनाना है, सिंपल है, आई का ऑब्जेक्टिव केस लगाइए। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। अगर आप ऑब्जेक्ट बनते हैं आई की जगह मी लगाइए, टीचर बीट्स मी, नाउ इट इज करेक्ट। अगर हम लिखते हैं टीचर बीट्स वी, इट्स रॉन्ग। अगर हम लिखते हैं टीचर बीट्स अस, इट्स करेक्ट। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है। तो ऑब्जेक्ट में मी और अस लगाइए, सब्जेक्ट में आई और वी लगाइए। फिर समझते हैं हम पजेसिव केस का प्रोनाउन। आपको याद होगा हमने पजेसिव केस किया था कि व्हेन ए नाउन शो इट्स पजेशन टू द अनदर नाउन, इट इज कॉल्ड पजेसिव केस। जब एक नाउन दूसरे पर अपना अधिकार दिखाए वो पजेसिव केस होता है। जब मैं लिखता हूं अमित बुक, अमित की किताब, ये अमित पजेशन शो कर रहा है बुक के ऊपर। लेकिन अगर मैं अपना नाम हटाता हूं तो बुक को क्या बोलूंगा, ये मेरी किताब है, माय बुक, माय पजेशन को शो करता है। अब इसमें हमने दो लिखे हैं, एक माय लिखा है, एक माइन लिखा है। तो माय और माइन दोनों के दोनों इंग्लिश ग्रामर में यूज होते हैं, इंग्लिश राइटिंग के अंदर यूज होते हैं। दोनों के यूज में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। माय के बाद हमेशा एक नाउन लगाना जरूरी है, माइन के बाद कभी भी किसी भी कंडीशन में नाउन नहीं आ सकता, माइन अपने बाद नाउन नहीं लेगा। माई क्या होता है कि जब हम एडजेक्टिव चैप्टर करेंगे आई विल मेक यू मच मोर क्लियर, क्योंकि माई है, आर है, हर है, देयर है, ये कुछ वर्ड हैं जो प्रोनाउन होने के साथ साथ एडजेक्टिव भी होते हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वी विल डू लेटर। बट अभी आप माइंड में ये रखिए, माई हमेशा नाउन लेगा, माई प्योर प्रोनाउन होता है, ये नाउन नहीं ले सकता। क्योंकि नाउन क्या होते हैं, जो प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं, तो उन्हें अपने बाद नाउन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए माइन को नाउन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सेंटेंस लिखता हूँ दिस इज माय बुक, माइन ने अपने बाद नाउन ले लिया बुक। अगर मैं इसको बोलता हूँ दिस बुक इज माइन, अब माइन के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। सेम हेयर आर, आर के बाद हमेशा एक नाउन लगाना जरूरी है, आर्स के बाद कभी भी कोई नाउन नहीं आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि आर हमेशा नाउन लेगा, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, आर्स प्योर प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं आ सकता। अगर हम सेंटेंस बनाएंगे हाउ विल आई राइट दिस इज आर बुक, आर के बाद नाउन आ गया बुक, बुक को आंखों से देख सकते हैं, जो चीज दिखाई देगी वो हमेशा नाउन होगी। मैं कहता हूं दिस बुक इज आर्स,
आर्स के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। तो दोस्तों हम अब सीखेंगे कि सेकंड पर्सन क्या होता है। सेकंड पर्सन, द पर्सन हुम वी स्पीक टू इज ऑलवेज इन सेकंड पर्सन, जिससे बात की जाती है वो सेकंड पर्सन होता है। देखो बात किससे करते हैं, जो हमारे सामने आ, जिसे फ़ोन मिलाते हैं, हम फ़ोन पर बात करते हैं, हम जिससे बात करते हैं बार बार उसका नेम नहीं बोलते, उसके नाम के स्थान पर हम आप, तू, तुम इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं। इंग्लिश में आप, तू, तुम, इन तीनों के लिए एक ही वर्ड होता है यू। फर्स्ट पर्सन में जब अकेला हूँ अपने आप को आई बोलता हूँ, जब मेरे साथ कोई होता है तब मैं वी वर्ड का यूज करता हूँ। लेकिन यू में क्या होता है, सामने एक बैठा है वो भी यू है, दो बैठे हैं वो भी यू है, चाहे 200,000 बैठे हों वो भी यू होंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू से, यू का जो प्लूरल होता है, यू ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल भी यू ही होगा। यू सिंगुलर में भी यू रहता है और प्लूरल के अंदर भी हमेशा यू रहता है। अब देखिए यू जो नॉमिनेटिव केस में आ रहा है, जो चीज़ नॉमिनेटिव केस में आएगी वो सिर्फ सब्जेक्ट बन सकती है, सब्जेक्ट के अलावा और आप उस यू को कहीं भी यूज नहीं कर सकते। देखिए अगर हम यू का यूज करते हैं, यू कम लेट, अब कम वर्ब का सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, देखिए वी विल सी हेयर इट इज यू। अगर मान लीजिए आप यू को ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो यू का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा यू। देखो प्लूरल में भी यू होता है और सिंगुलर में भी यू होता है, मतलब यू ऐसा शब्द है चाहे आप उसे सब्जेक्ट बना लो चाहे आप उसे ऑब्जेक्ट बना लो, दोनों कंडीशन में करेक्ट होगा। अब देखिए टीचर बीट्स यू, यू ऑब्जेक्ट बन गया, यहां पर यू सब्जेक्ट बन गया था। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि हम आई करते हैं, आई का क्या करते हैं, जब सब्जेक्ट बनाते हैं वी यूज आई, जब आई को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम आई नहीं लिख सकते, तब हम हमेशा आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लिखते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली यू का नॉमिनेटिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो यू को चाहे सब्जेक्ट बनाए चाहे ऑब्जेक्ट, दोनों कंडीशन में हमारा सेंटेंस हमेशा करेक्ट होता है। फिर हम बात करते हैं पजेसिव केस की। पजेसिव केस के अंदर आप देखिए योर, योर्स ये प्लूरल में आ रहा है, और अगर हम सिंगुलर में बात करें उसमें भी योर और योर्स ये दोनों दिया हुआ है। तो योर और योर्स में क्या फर्क होता है ये समझना जरूरी है। देखिए जब भी आप योर का यूज करते हैं, योर के तुरंत बाद नाउन का आना जरूरी है। अगर योर के बाद नाउन नहीं आ रहा है तो हमारा सेंटेंस हमेशा रॉन्ग होगा। अब देखिए जैसे एग्जांपल लिखा है, योर बुक, तुम्हारी किताब, योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, योर स्कूल, योर कार, योर होम, कोई भी चीज है, योर हमेशा अपने बाद एक नाउन जरूर लेगा। लेकिन योर्स का यूज करते हैं दोस्तों, कभी भी नाउन नहीं आता योर्स के बाद। अगर हम योर्स का यूज करेंगे ये सेंटेंस में देखिए, योर्स ओबीडियंटली, अगर बात करूं ओबीडियंटली ये नाउन नहीं है, ओबीडियंटली हमेशा एक एडवर्ब होता है, योर्स के बाद एडवर्ब आ सकता है, योर्स के बाद कभी भी नाउन नहीं आ सकता। अब देखिए योर के बाद मैंने बताया नाउन आएगा, यहां देखिए योर लविंग फ्रेंड, अब फ्रेंड है नाउन आ गया। नाउन के पहले एक एडजेक्टिव आ सकता है क्योंकि एक एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, लेकिन योर के बाद नाउन जरूर आएगा। फ्रेंड वहां पर नाउन का यूज हमने कर लिया। अब देखिए यहां पर योर सिंसियरली, ये मैंने एग्जांपल इसीलिए लिखा है कि मोस्टली स्टूडेंट अपनी राइटिंग की, मैं राइटिंग की नोटबुक चेक करता हूं, आई ऑलवेज फाइंड सम मिस्टेक्स देयर। अब जब वो लेटर को खत्म करते हैं, लेटर के नीचे लिखते हैं योर एपोस्ट्रोफी एस सिंसियरली, योर सिंसियरली। आप हमेशा याद रखिए पजेसिव केस के प्रोनाउन के अंदर कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता। अगर आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और आप सपोज करते हैं कि मेरे राइटिंग में 7 बैंड आएंगे, नेवर, आप कभी भी इतने बैंड नहीं स्कोर कर सकते। अगर आप इस तरीके की गलती कर कर आते हो, एग्जामिनर को साफ पता लग जाता है कि यू आर नॉट गुड एट ग्रामर। ग्रामर में गुड होना है, आप हमेशा याद रखिए योर के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे पजेसिव केस के प्रोनाउन है। पजेसिव केस के प्रोनाउन के अंदर एपोस्ट्रोफी एस लगाना गलत होता है। हाउ वी विल राइट, योर ओबीडियंटली, योर सिंसियरली, नेवर यूज एपोस्ट्रोफी एस हियर।
अब आपको एक चीज और बताता हूँ, बड़ी मजेदार चीज है। आप ये देखिए, अगर आप 19th सेंचुरी तक की कोई पोइम पढ़ते हो, पोइट पढ़ते हो, पुरानी कविताएं, आपके पोइम स्कूल में भी लगती होगी, 10th स्टैंडर्ड में, 6th 5th स्टैंडर्ड के अंदर आपने विलियम शेक्सपियर की कोई पोइम पढ़ी हो, या विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पी बी शेले, एच टी कोलरिज, जितने भी पुराने पोइट और राइटर थे 19th सेंचुरी तक, सिंगुलर को वो दाऊ बोलते थे और प्लूरल को यू बोला जाता था। और अगर ऑब्जेक्ट बनाना होता तो दाऊ की जगह वो दी लगाते थे और प्लूरल में यू का ऑब्जेक्ट हमेशा यू ही रहता था। और जब पजेशन दिखाना होता था वो वर्ड यूज करते थे, एक तो दाइन आता था, एक दाई वर्ड आता था। दाइन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता था, दाई के बाद हमेशा नाउन आता था, दाई बुक, तेरी किताब। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या किया, 19th सेंचुरी के बाद उन्होंने जो प्लूरल यू था उसी को उठाकर सिंगुलर भी बना दिया। मतलब यू को सिंगुलर के साथ साथ, सॉरी प्लूरल के साथ साथ सिंगुलर में भी यूज करना शुरू कर दिया। यू नॉमिनेटिव केस में सेम सिंगुलर में कर दिया, ऑब्जेक्टिव केस में यू था सेम ऑब्जेक्टिव केस में, पजेसिव केस में योर और योर्स आते थे और उन्होंने पजेसिव केस में भी योर और योर्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। 19th सेंचुरी के बाद इनका यूज बिल्कुल खत्म हो गया। एक चीज देखिए दोस्तों, ओरिजिनली यू क्या हुआ, प्लूरल हुआ, बाद में से सिंगुलर बनाया गया। ओरिजिनली यू प्लूरल होने के कारण यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, यू किसी भी कंडीशन में अपने बाद सिंगुलर वर्ब नहीं ले सकता। अब हम करेंगे थर्ड पर्सन। फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन। व्हाट इज द थर्ड पर्सन? द पर्सन अबाउट हुम वी स्पीक टू इज ऑलवेज इन थर्ड पर्सन। व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन की बात करें, अगर हम जो हमारे साथ नहीं है, सपोज कीजिए आप और मैं बात कर रहे हैं, आप और मैं बात करें कि सर्वजीत मैम यहाँ पर है नहीं, वह बाहर गई होगी। अब वह शब्द किसके लिए आ रहा है? जी सर्वजीत मैम के लिए आ रहा है। अब फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि लड़का हो या लड़की, दोनों अपने आप को आई बोलते हैं। सेकेंड पर्सन में आपके सामने लड़का बैठा है वो भी हुआ है, लड़की बैठी है वो भी हुआ है। लेकिन थर्ड पर्सन के अंदर हम लड़के को हमेशा ही बोलते हैं, लड़की को हमेशा हम शी बोलते हैं। जानवर या वस्तु की बात हो तो हम हमेशा इट लगाते हैं, और इन तीनों का प्लूरल एक ही बनता है, वो होता है दे। अगर आप नोटिस करेंगे ही शी इट और दे, ये चारों के चारों नॉमिनेटिव केस में आ रहे हैं। जो चीज़ नॉमिनेटिव केस में आती है वो हमेशा सब्जेक्ट बनती है। ही का यूज करेंगे तो हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ही कम्स लेट, वह लेट आता है, ही सब्जेक्ट बन गया। शी कम्स लेट, वह लेट आती है। जानवर या वस्तु के लिए हम इट लगाते हैं। आई हैव ए काउ, इट हैज 4 legs। अब इट किसके लिए लगा रहा हूँ? काउ के लिए लगा रहा हूँ। अब काउ के लिए जानवर या वस्तु होगा, आप हमेशा उसके लिए प्रोनाउन इट लगाएंगे। इट का यूज हम व्यक्तियों के लिए, इंसानों के लिए नहीं करते हैं। इंसानों के लिए हम ही शी या प्लूरल दे का यूज करते हैं। तो इट का यूज एज ए सब्जेक्ट होगा। ऐसे ही दे का, अगर मैं कहूँ देर वर मैनी चिल्ड्रन इन द प्ले ग्राउंड, देर वर प्लेइंग फुटबॉल, अब दे किसके लिए लगा रहा हूँ? जी बिल्कुल, चिल्ड्रन के लिए लगा रहा हूँ। दे एज ए सब्जेक्ट यूज होगा। अगर प्लूरल है सब्जेक्ट, आप दे लगाइए। ही शी इट और दे चारों के चारों नॉमिनेटिव केस में तो हमेशा सब्जेक्ट बनेंगे। आप हमेशा याद रखिए, किसी का भी नेम बोला गया है, नेम हमेशा थर्ड पर्सन होता है। अगर रिटर्न में आपने कहीं भी लिखा है, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट अमित, अब अमित की बात हो रही है, आपने रिटर्न में लिख दिया है, वो थर्ड पर्सन बन गया है। जब आप उसके लिए प्रोनाउन लगाएंगे, लड़का है, ऑब्वियसली आप ही लगाएंगे उसके लिए। इफ आई टॉक, आई एम टॉकिंग अबाउट सीता, शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, अब शी किसके लिए आ रहा है? सीता के लिए। तो किसी का भी नेम लिखा गया है वो हमेशा थर्ड पर्सन ही होगा, उसके लिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस आएंगे। फिर बारी करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। ही लड़का, जब सब्जेक्ट आप ही लगाइए, जब लड़का ऑब्जेक्ट बनता है आप हमेशा हिम लगाइए। अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ टीचर बीट्स हिम, अब मैं ये नहीं बोल सकता टीचर बीट्स ही, इट इज रॉन्ग, बिकॉज ही इज ऑलवेज इन नॉमिनेटिव केस एंड नॉमिनेटिव केस कैन नॉट बी यूज एज ए ऑब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस को हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते। नॉमिनेटिव केस हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज में होगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाना है तो नॉमिनेटिव केस से आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस पर आइए। लड़के को ऑब्जेक्ट बनाना है हिम लगाइए, लड़की को ऑब्जेक्ट बनाना है शी की जगह आप हर लगाइए।
अगर जानवर या वस्तु को ऑब्जेक्ट बनाना है आप हमेशा इट लगाइए, और इन तीनों का प्लूरल, प्लूरल को अगर आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं दे की जगह आप हमेशा देम का यूज कीजिए। फिर बारी आती है पजेसिव केस की, अधिकार दिखाना है। मैं कहता हूँ राम्स बुक, राम्स फादर, अब राम्स पजेसिव केस हो गया, पजेसिव केस की जगह पजेसिव केस का ही प्रोनाउन लगेगा। लड़के की कोई चीज पर पजेशन दिखानी है आप हिज लगाकर दिखाइए, हिज फादर, हिज बुक, हिज हमेशा पजेशन को शो करेगा। लड़की का पजेशन दिखाना है हम हर लगा सकते हैं, हर बुक, हर फादर। देखिए पजेसिव केस में हर और हर्स दो आते हैं, मीन्स हर जब भी यूज होगा हर के बाद हमेशा एक नाउन आएगा ही आएगा। हर के बाद अगर नाउन नहीं आ रहा तो सेंटेंस रोंग होगा। हर्स के बाद किसी भी कंडीशन के अंदर नाउन नहीं लग सकता। अगर मैं कहता हूँ दिस इज हर बुक, हर के बाद नाउन आ गया बुक। अगर मैं बोलता हूँ दिस बुक इज हर्स, हर्स के बाद नाउन नहीं आ सकता। सेम इट्स, इट्स नाउन लेगा। इट्स लेग, इसका पैर, जानवर या वस्तु की बात कर रहे हैं हम तो इट्स लेग बोलेंगे। लेग जो है वो नाउन है, इट्स के बाद नाउन आ सकता है। अगर हम बात करते हैं देयर और देयर्स की, सेम है, देयर के बाद एक नाउन देना जरूरी है। देयर्स के बाद कभी भी किसी कंडीशन में नाउन नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं ही इज देयर फादर, वह उनके पिताजी हैं, देयर अपने बाद नाउन लेगा। अगर हम देयर्स की बात करेंगे देयर्स के बाद नाउन नहीं आएगा। जैसे हम कहते हैं दिस स्कूल इज देयर्स, यह स्कूल उनका है, देयर्स के बाद नाउन नहीं आएगा, लेकिन देयर के बाद हमेशा नाउन आएगा। तो ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन थे। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, किसी भी तरीके की ग्रामर में कहीं भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, उस पर आपको वीडियो जरूर मिलेगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।